आज मैं तुम्हें चांद की स्टोरी सुनाती हूँ। इस स्टोरी में ये बताया हुआ है कि जो चांद पर काले रंग के निशान दिखाई देते हैं ना, दरअसल वो आए कहाँ से थे। सच में इसके पीछे एक स्टोरी है और वो मुझे मिल गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें चांद वाली स्टोरी सुना देती हूँ और तुमको बताती हूँ कि वो काले रंग के निशान जो चांद के ऊपर दिखाई देते हैं वो आए कहाँ से थे। तो क्या हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत 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 पुरानी बात। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे और उनके साथ एक रैबिट भी रहता था। रैबिट रहता था अपनी दादी माँ के साथ। अपने घर के पास में ही रैबिट ने एक खेत बनाया हुआ था। उसको जो खाना होता था वो खेत में उगा देता था और खा लेता था। लेकिन कई बार कुछ जानवर उसके खेत में घुस आते थे और उसकी फसल को खराब कर देते थे। तो उन सब से बचने के लिए उसने अपने खेत के चारों तरफ जाल बिछा के रखा था। अगर कोई एनिमल उसके खेत में घुसा तो वो जाल में फंस जाता था और फिर रैबिट उस एनिमल को निकाल के बहुत दूर कहीं छोड़ के आ जाता था ताकि वापस से उसके खेत को नुकसान ना हो। तो एक बार क्या हुआ, सुबह रैबिट उठा और अपने खेत की तरफ गया तो उसने देखा कि जो जाल उसने बनाया हुआ था वो टूट गया। शायद किसी एनिमल ने वो जाल तोड़ दिया है। उसने खेत के अंदर देखा, नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा पर हो सकता है टूट गया हो। ये सोचकर रैबिट ने वापस एक नया जाल बनाया और खेत के चारों तरफ लगा दिया। अगले दिन फिर यही हुआ, वापस से जाल टूटा हुआ मिला लेकिन तोड़ा किसने वो नहीं पता चला। और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। हर रोज रैबिट को जाल टूटा हुआ मिलता और पता ही नहीं चलता कि उसके खेत का ये जाल तोड़ कौन रहा है। तोड़ के कोई तो अंदर जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता, थोड़ी बहुत जो उसकी चीजें हैं वो खा लेता है। लेकिन रैबिट को पकड़ना तो था कि चोर कौन है। उसने अपनी दादी को बोला कि मैं कैसे पकड़ूं। दादी ने बोला कि ऐसा करो, बड़ा सा जाल बनाओ और फिर उसको लगा दो और सुबह जल्दी उठना, देख कर आना। रैबिट ने बड़ा जाल लिया, लगा दिया और फिर उसके बाद सुबह उठा, देखा जाल टूटा हुआ। रैबिट ने दादी से बोला, दादी मैं सुबह चाहे कितनी ही जल्दी उठ लूं, ये चोर मेरी पकड़ में नहीं आएगा। मुझे रात भर बैठ के पहरा देना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो चोर है कौन। रैबिट ने सोचा कि अब की बार मैं एक अलग तरह का जाल बनाऊंगा। अब की बार ऐसा जाल बनाऊंगा जो खेत के चारों तरफ तो होगा ही, लेकिन एक उसकी रस्सी मेरे हाथ में होगी ताकि मैं अगर पहले वो रस्सी खींच दूं तो भी वो जानवर उस जाल में फंस जाए। तो रैबिट ने दिन भर मेहनत करके वो बड़ा सा मजबूत सा जाल तैयार किया और अपने खेत के चारों तरफ बिछा दिया। पर ये क्या, जैसी रात होने वाली थी स्नोफॉल होने लगा और धीरे देखते ही देखते वहां पे बहुत सारी बर्फ गिरने लगी। रैबिट को ठंड लग रही थी पर क्या करता, चोर को तो पकड़ना ही था। तो रैबिट चुपके से पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया और चोर का इंतजार करने लगा। रात में बैठे बैठे रैबिट की थोड़ी सी झपकी लग गई और आंखें बंद करके वो थोड़ी सी देर अभी सोया ही था कि उसके कान में कुछ आवाज आई। ऐसे लगा जैसे सामने के पेड़ के पीछे से कोई चलकर आ रहा हो। रैबिट ने फट से आसमान में देखा, अरे ये एकदम से इतना अंधेरा क्यों हो गया, सिर्फ आसमान में तारे ही तारे नजर आ रहे हैं, चांद कहाँ चला गया, बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब बिना चांद की रोशनी के मैं चोर को कैसे पकड़ूंगा। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने देखा जिस पेड़ के पीछे से आवाज आ रही थी उस पेड़ के पीछे से सफेद रंग की एक रोशनी उसकी तरफ चली आ रही है, चली आ रही है और आवाज आ रही है थम थम थम। और देखते देखते वो रोशनी निकल गई उसके पास से और जाने लगी उसके खेत की तरफ। रैबिट डर गया था, ये क्या हो रहा है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रैबिट ने नीचे देखा तो उसको बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। रैबिट ने लंबी सांस ली और उसने रोशनी को गौर से देखा, रोशनी उसके खेत की तरफ ही जा रही थी और जैसे ही
वो उसकी खेत के पास पहुंची, रैबिट ने वो रस्सी खींच दी और वो रोशनी वहीं पे रुक गई और आवाज आई आ। उस आ की आवाज से रैबिट डर गया और उसने वहीं पे सब छोड़ा और भागा अपने घर की तरफ। घर पहुंच के उसने अपनी दादी माँ को बताया कि क्या हुआ था वहां पे। दादी माँ ने बोला, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जो भी है चोर है, तुम्हें जाना पड़ेगा और जाके तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि वो है कौन। अब रैबिट को डर तो लग रहा था। रैबिट ने बोला कि मैं सुबह चला जाऊंगा, अब तो मून की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे शक्ल ही नहीं पता चलेगी, मैं कैसे पहचानूंगा और मुझे बहुत डर लग रहा है। पर दादी ने बोला कि हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और वैसे भी तुमने उसको जाल में तो फंसा ही लिया है, तभी तो आवाज आई थी आ, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, जाओ। रैबिट डरते डरते वापस चल पड़ा अपने खेत के पास। अब रैबिट को लग रहा था कौन है पता ही नहीं, तो रैबिट को लगा एक बार अपनी आंखें धो लेता हूँ। तो उसके खेत के पास में ही एक झरना था, उसने वहां पर अपनी आंखें खोली, आंखें धोई और धोकर वापस से देखा, उसको सिवाय सफेद सी रोशनी के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसको लगा कि ये जो भी है मैं मार के देखता हूँ। बर्फ तो गिरी थी वहां पे, उसने बर्फ उठाई, उसका एक गोला बनाया और उस सफेद रोशनी की तरफ उसने फेंका। जैसे ही बर्फ का गोला उस सफेद रोशनी के पास पहुंचा, बर्फ पूरी पिघल गई और बिल्कुल पानी की तरह नीचे गिर गई। उसने दूसरी बार फिर ये किया, लेकिन दूसरी बार भी बर्फ का गोला पूरा ही पहले पिघल गया और नीचे गिर गया। रैबिट को लगा ये तो कुछ और चीज है। रैबिट ने दिमाग लड़ाया और उसने जहाँ पे वो झरना था ना, जहाँ पे अपनी आंखें धोई थी, वहां से गीली मिट्टी उठाई और एक बड़ा सा उसका गोला तैयार किया और फिर उस व्हाइट रोशनी की तरफ जोर से मारा और आवाज आई छपाक। इतने में किसी के चीखने की आवाज आई कि क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, एक तो तुमने मुझे यहाँ पे बांध दिया है, ऊपर से मेरे ऊपर मिट्टी भी गिरा रहे हो। रैबिट बोला, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हुए हो। उस आवाज ने बोला, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, मुझे तुम्हारे खेत में जो गाजर है वो बहुत अच्छी लगती है, उसको खाने के लिए आया हूँ और तुमने मुझको यहाँ पकड़ दिया, जल्दी से तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा खेत खराब कर दूंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने जैसे ही ये धमकी दी, रैबिट और डर गया। रैबिट वापस भागा अपनी दादी के पास और उसने दादी को सारी बात बताई। दादी बोली, भले ही वो जो भी है, लेकिन हमारा खेत तो उसने खराब किया ना, और तुम उसको ज्यादा देर तक बांध के नहीं रख सकते, जाओ जल्दी जाओ और उसको खोलो वहां पर। रैबिट डरते डरते फिर गया और उसने बोला, मैं तुम्हें खोल तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम बोलो कि तुम मेरे खेत में कभी भी वापस नहीं आओगे, तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। चांद ने बोला, अरे मुझे खोल दो, देखो रात खत्म होने वाली है, मैं वापस ऊपर नहीं जा पाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे खेत में नहीं आऊंगा। पर रैबिट ने बोला, नहीं तुम मेरे खेत में ही नहीं, तुम अर्थ पर ही वापस नहीं आओगे, ये वादा करो, मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगा। चांद को हार के वादा करना पड़ा कि वो अर्थ पे नहीं आएगा और किसी के खेत से कोई सामान नहीं खाएगा। तब जाकर के रैबिट ने जाल खोला, जैसे जाल खोला इतने में व्हाइट रोशनी जूम से निकली और फर आसमान में पहुंच गई और रैबिट देखता ही रह गया कि ये हुआ क्या था। कहते हैं कि तब से जो चांद है ना, वापस अर्थ पे कभी गाजर खाने के लिए नहीं आया। लेकिन एक बात है, जब आसमान में चांद नहीं होता ना किसी किसी दिन, उस दिन चांद जरूर आता है अर्थ पे, और जो रैबिट ने उसके मुंह पे मिट्टी डाली थी ना जिससे वो काला हो गया था, किसी नदी में जा करके वो उसको धोने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिट्टी के दाग आज तक नहीं गए, आज भी उसके ऊपर है, वो बहुत कोशिश कर रहा है धोने की लेकिन अभी भी धो नहीं पा रहा है।